दोस्तों, जब भी हमें कोई मोबाइल परचेस करना होता है, कोई कंप्यूटर या कोई लैपटॉप परचेस करना होता है, हम सबसे पहले उसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। हम देखते हैं कि उसका कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, उसका बैटरी कितने एमएच का है, उसका प्रोसेसर कौन सा है, एग्जैक्टली एग्जैक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर की। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 3 पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट, प्रोसेसर क्या होता है। सेकेंड, प्रोसेसर कितने तरह का होता है। थर्ड, हमें कौन सा प्रोसेसर यूज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट 1, प्रोसेसर क्या होता है। दोस्तों, हम प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। दोस्तों, हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में जो भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं, उसे हमारा प्रोसेसर प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो अगर प्रोसेसर को निकाल दिया जाए तो फिर हमारा डिवाइस किसी काम का नहीं रहे। दोस्तों, प्रोसेसर हर डिवाइस के अंदर होता है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट एक्सेट्रा। दोस्तों, प्रोसेसर एक स्क्वायर जैसा दिखता है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम फ़ोन को या कंप्यूटर को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो वो गर्म हो जाता है, इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए हीट सिंक लगाया जाता है। तो प्रोसेसर को तो आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। दोस्तों, टाइम के साथ प्रोसेसर अपडेट होते रहे हैं। प्रोसेसर के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे ड्यूरॉन, सेलेरॉन, प्लेटियम और एथलोन। दोस्तों, प्रोसेसर 6 तरह के होते हैं, सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वेड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर और डेका कोर। और इन सबका काम अलग अलग होता है, आपको कौन सा यूज़ करना है या आपको चुनना होगा। तो हमारा थर्ड पॉइंट है, हमें कौन सा प्रोसेसर चूज़ करना चाहिए। दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके डिवाइस के ऊपर, आप मोबाइल लेते हैं या कंप्यूटर लेते हैं। अगर आप मोबाइल लेते हैं तो आपको अपडेट प्रोसेसर ही यूज़ करना चाहिए। अगर आपको आईफोन लेना है तो एप्पल A16 बायोनिक, और अगर आपको एंड्रॉयड चाहिए तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8th Gen 2 का प्रोसेसर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 या क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ प्रोसेसर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सबसे अपडेट प्रोसेसर है एंड्रॉयड डिवाइस के लिए। तो आप चाहे तो इन तीनों में से आप कोई भी प्रोसेसर आप यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे तीनों पॉइंट क्लियर है। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रोसेसर में कोर क्या होता है, प्रोसेसर में NM का क्या मतलब है और प्रोसेसर की हिस्ट्री जानेंगे हम। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपके कुछ काम आ सके। तो प्लीज़, अच्छा लगे या बुरा कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।